ये जो ज़बरदस्त सा व्हील है उस पर भी हम नहीं बैठ सकते बच्चों की वजह से। ये देखो भाई, ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, कभी भी आओ अंदर से आप इसको ज़रूर देखो। बस शानदार ठंड अपनी जगह, मगर जब बात हो गोलगप्पे की तो वो अपनी जगह, वो अपनी जगह। तो ये मेरी लाइफ की पहली कोशिश भी थी और ये न्यू ईयर का एडवांस गिफ्ट है सबा को मेरी तरफ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हारिस फूड ट्रैवल में एक बार फिर खुश आमदीद, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हारिस। हो गई थी इंतजार की, लेकिन ये देखो जी आ गए ये लोग, ये रहे मेरी फैमिली, वेलकम गाइस, आ जाएं, ध्यान से आएं। चले जी ये लोग आ गए हैं। ये खुशी का मोमेंट होता है जब बच्चा आपको प्यार से आके ऐसे मिलता है ना, आप बहुत स्पेशल फील करते हैं। ये मेरा शोना, हेलो मेरे बेटे, कैसे हो? हेलो बेगम, आ गई हैं आप? आ गई हैं जी। बाहर हेल्प करें, चलें जी पहले हेल्प करते हैं। A few moments later. ये जी मेरा सूप आ गया माशाल्लाह। और मिकाइल क्या खा रहा है? मिकाइल ने ये लिया आइसक्रीम अपनी है, मिकाइल यू लाइक इट? ये हमारी जी वन ऑफ द फेमस और बेस्ट प्लेस है यहाँ की, हेस टाउन की, टेस्ट ऑफ विलेज, और पहले इसका नाम था स्नैक कॉर्नर, इसे कहते हैं पापड़ी। और ये हम सूप पे डाल के पीते हैं और मज़ा आता है, बिल्कुल कराची में ऐसी मिलती थी तो बाबा आपके पीते थे। वाह हाँ हाँ हाँ, डाल दो शाबाश। अपनी जगह, ठंड अपनी जगह, मगर जब बात हो गोलगप्पे की तो वो अपनी जगह, वो अपनी जगह। दो मैंने खा लिए, एक मेरा रह गया, तीन आपके हैं। ये तो क्यों भी आप तो सूप मैं अपना खा लूं, ये बड़ा वाला। The next day. हेलो हमना भी आई है हमारे पास, फिर हमारी ये बैठी हुई है बेगम, हमारी हमेशा की तरह जबरदस्त सा नाश्ता तैयार कर रही है। हमारी फरमाइश पे आलू का पराठा तैयार है, अंदर इसके आलू है, यकीन ना है तो देख लीजिए। उसके अलावा आज सबा ने हमारे लिए ये बनाई है टमाटर की चटनी, जो मेरी फेवरेट है, और बस मैं इसको गर्म कर रहा हूँ और फिर खाने लगा हूँ। तो सबा ने कहा क्यों ना भाई ये न्यू ईयर से पहले पहले का व्लॉग और ये चीज़ें शेयर कर दो भाई, मेरी तरफ से, सबा की तरफ से और इन तमाम बच्चों की तरफ से पहले से ही हम एडवांस में आपको विश कर देते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह पाक आपका आने वाला साल बहुत ज़बरदस्त और शानदार गुजारे, आमीन। आने वाले साल को सलाम एंड जाने वाले साल को सलाम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। शाम हो गई है, अब मैं और मिकाइल जा रहे हैं, हमारी ये वाइट टूट गई है बॉक्स की क्योंकि हम कोई मूवी नहीं देख पा रहे, सबा ने घर की सेटिंग चेंज की है ना, तो उसकी भरपाई ये करनी पड़ेगी कि जब भी आप सामान आगे पीछे करो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो ठीक है पहले हम ये लेते हैं। ये हैं जी टेस्को के ताज़ा हालात और ये बंद होने वाला है जल्दी से, उससे पहले हमने शॉपिंग ऑल कर ली है। देखो भाई आसान पेमेंट का एडवांस तरीका, ये स्कैन किया हमने और ये अब हमसे पूछेगा कि भाई सब कुछ हो गया, डू यू हैव एनी आइटम्स दैट वुड नॉट स्कैन? नो, सब कुछ स्कैन हो चुका है, अब ये कंप्लीट हो गया ट्रांजैक्शन, वेरी नाइस, यस आई एम फाइन। ये नो, यहाँ पे भी नो किया, अब हमने करना है पे, अब कार्ड लगाएंगे और पे हो जाएगा, दैट्स इट। 2 hours later. आज क्या बन रहा है? आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं बना के देने लगा हूँ चावल, हरे भरे चावल, बहुत सारी सब्जियां डाल कर देखते हैं अब क्या बनता है। क्या बनता है भाई? खुशबू तो बड़े मजे की आ रही है। फर्स्ट टाइम चिकन पुलाव लाइफ में मैं बना रहा हूँ और वो भी सबा की खातिर। वेज पुलाव और चिकन पुलाव? ये वेज वाला, वेज आप खाती है ना, तो वेज बना रहे हैं और देखते हैं। फर्स्ट ट्राई मुझे मुश्किल लगता था, वरना दूसरी चीज तो फटाफट बना लेता हूँ, चिकन विकन और ऐसी चीजें, चाट वाट, तो ये कभी बनाया नहीं था, तो आज ये डर भी हट जाएगा और पता भी चल जाएगा। सबा चावल डालने का टाइम आ गया, मगर मैंने अपना टच दिया है। सबा वैसे चावल बहुत शानदार बनाती है, किसी भी किस्म के बनाए तो कंपटीशन टफ है कि शायद नहीं, कोई पसंद आए या ना, नहीं है हमारा कंपटीशन से मुराद के पता नहीं इंप्रेस हो पाए ना हो पाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, राइस तो रेडी है,
इतने अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरी लाइफ की पहली कोशिश भी थी और ये न्यू ईयर का एडवांस गिफ्ट है सबा को मेरी तरफ से। कल पता नहीं क्या 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 मिलेगा मुझे। हाँ इतना अच्छा स्टार्ट है और क्या कल क्या क्या होगा। अभी तो न्यू ईयर भी स्टार्ट है, अच्छे से गुजारेंगे, बाहर लेकर जाएंगे आपको, घुमाएंगे फिराएंगे ताकि जरा सा निकले और बाहर इंजॉय करें। सही है, ठीक है, माशाल्लाह शक्ल भी है और अकल भी है। A few moments later. क्या बात है जी, क्या बात है, बड़े बड़े क्लोज क्लोज जाके बता रहे हो सामने की पिक्चर वीडियो। क्योंकि बड़े क्लोज दिल के अंदर क्लोज जाके ये चावल आपके लिए बनाए पहली बार। पता नहीं कैसे बने होंगे भाई, अभी तक ट्राई नहीं किया। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, नया साल मुबारक हो मेरी तरफ से और दुनिया की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हम सब की तरफ से। निकाल अब बोलो हैप्पी न्यू ईयर। द नेक्स्ट डे, हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब, हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को। आज पहला दिन है साल का तो सोचा क्यों ना अपनी फैमिली को कहीं लेकर जाया जाए, अच्छे से स्पेंड कराया जाए ताकि आने वाले सारे दिन और सारे महीने भी इंशाल्लाह उम्मीद है इसी तरह से गुजरें। तो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं वाइफ भी बच्चे भी कि कहीं ना कहीं जाया जाए छुट्टी के दिन, और हम भी नॉर्मली जाते ही रहते हैं। तो हम लेकर जा रहे हैं आपको नॉन स्टॉप पर जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए हमने कुछ खाया पिया नहीं है वहाँ से। वहाँ पे बहुत स्पेशल ज़बरदस्त नान मिलते हैं, हर किस्म के ढेर सारी वैरायटी हमारे साथ साथ रही है, और वहाँ जाते हैं और वहीं पे आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं और मौज कराते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर भी कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो। चलें मिलते हैं फिर। माशाल्लाह जी हलवा मिल गया हमें और सबा हो रही है बहुत ही ज्यादा खुश क्योंकि ये सरप्राइज था। मेरा फ्रेंड आ रहा था पाकिस्तान से और आज ही पहुंचा है लंदन में, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गया है, तो वीजा लग गया उसका, उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और सबा का शानदार हलवा जो सबा का फेवरेट है, शादी के बाद से मैं भिजवाना शुरू किया है, जो अभी तक मैंने परम्परा को कायम रखा हुआ है, क्योंकि ये देखने के बाद जो सबा के चेहरे पर स्माइल आती है ना वो प्राइसलेस है जी। ज्यादा नहीं आ सकता था, थोड़ा ही आ सकता था क्योंकि उसका भी सिर्फ ज्यादा आता तो हमारे साहब सबको देते, सबको देता, सबको इंशाल्लाह दे देता, मगर वो लाया सिर्फ जो है दो पैकेट है क्योंकि उसका वेट ज्यादा हो गया था। अच्छा बेटा मैं खुलता हूँ। ये देखिए आमिर बुटीक, देख के आपको पता तो चल गया होगा कि हम लोग पहुंच चुके हैं एल्फर्ट लेन, हो गई है रात, हालांकि अभी 4:30 हुए हैं सिर्फ, और रात और यहाँ का मंजर देखें भाई, बड़ी बारौनक और ज़बरदस्त स्ट्रीट है। और हम यहाँ पे अभी नान स्टॉप खाने जा रहे हैं, उसके बाद अगर मौका लगा और टाइम बचा तो फिर विंटर वंडरलैंड का हमने सोचा है कि विंटर वंडरलैंड जाएंगे, आपको स्ट्रीट का दीदार फौरन फौरन करा दूँ। ये देखें यार नान स्टॉप आ गए हम लोग। हम आए हैं नाइन स्टॉप पे, वेट कर रहे हैं, 35 मिनट का वेट है जो कि हमें करना ही करना पड़ेगा, मगर क्या करें मज़े की खातिर कर लेंगे थोड़ा सा वेट, क्योंकि एक घंटे का सफ़र भी तो तय करके आए हैं। क्यों मेरा क्यों जी, तो मिस्टर हारिस हाँ जी आ गए हैं ना, खाना जबरदस्त शानदार, एक नान दो नान, चार नान पाँच, मेरा ने अटैक कर दिया प्राइस पे। चलो भाई ये आ गया नान, अचारी नान, ये आलू वाला नान सबा का, और ये है चाय कड़क चाय, ये पिंक टी कड़क चाय, बन कबाब, और ये ना इस नान की बड़ी अच्छे से न्यू ईयर बना रहे, याद रहेगा हमें नेक्स्ट ईयर के हमने क्या क्या किया। और अगर अभी खाना ठंडा हो गया ये भी मुझे याद रहेगा कि मैं बातों में लग गया और मज़ा नहीं ले सका, इसलिए मैं अब बन करता हूँ। ये सैंडविच भी था। जी हारिस जी को तुम्हारा मदन चोपड़ा आ गया, हाँ तवा लिया था ना यहाँ से, जी इधर से मैंने तवा लिया था अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। डिंग डोंग ताजा कर दी वाह भाई वाह,
बचपन की यादें, वो यहाँ पे मिल गया तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं। फ्लैशबैक में लेके चलेंगे हमारे समय। क्या बचपन के दिन थे, जब हम जिन थे, अब हम देव हैं। जिनों के भी पियो। मौसम अगर ऐसा ठंडा ठंडा बारिश वाला तो स्वीट कॉर्न के बिना नहीं रह जाता, तो मैं स्वीट कॉर्न ले आया हूँ, मेरा भी और सभा का, दोनों का फेवरेट है। आप भी चखी है, क्या बात है, क्या बात है। We are in Oxford Street now. मेरी किताबें गिर जाएंगी, बंद करो। दो बच्चों को लेकर स्कूल जा रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो और ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों की बेचारों की माँ नहीं है, यही माँ है और यही बाप है। ऐसा तो नहीं लग रहा है इनकी माँ तलाश करने जा रहे हैं विंटर। हाँ ऐसी हालत में जाओगे तो मिल ही जाएगी ना, माँ तलाश करने जा रहे हो ऐसी हालत में ढुल जाएगी आप पे। मेरे पास इनकी माँ, ये मैं ही हूँ जो साथ साथ हूँ। इधर से एंट्रेंस से हरी साथ। There you go, finally we are here at the Winter Wonderland Park. Finally हम लोग आ गए हैं माशाल्लाह, मगर जो हमारे साथ आना था सभा लोगों की सिस्टर्स को, वो लोग अब पहुंच नहीं सकेंगे क्योंकि वैसे ही हम लोग 8:30 बजे अंदर दाखिल हुए हैं और 9:30 पे आखिरी एंट्री है। मिकाइल को ये राइड लेना है, बहुत दिल कर रहा है मगर क्या करें कि ये राइड बड़ों के लिए और मिकाइल समझ नहीं पा रहा है। और ये देखें जी, अरे वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। अच्छा ये वाली बोर्ड लेनी है हमने मिकाइल के लिए, एक वो हम यहाँ पे लगाएंगे मिर्हा की पुशियर के साथ ताकि मिकाइल खड़ा हो सके। अभी मिकाइल को होती है बहुत प्रॉब्लम है, मिकाइल प्रॉब्लम फेस करते हो आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पाँव रखता है बेचारा, इस तरह से कुछ करना पड़ता है। हम क्या एंजॉय करेंगे। ये इनमें नहीं बैठेंगे, ये कुर्सी खाली जा रही है, ये बच्चे कह रहे हैं हमें उठा लो, ये बच्चे अपनी सीटों पे भी नहीं बैठते। ये जो जबरदस्त सा व्हील है इस पे भी हम नहीं बैठ सकते बच्चों की वजह से, इस क्रिसमस वाले पे शायद बैठ जाए, क्रिसमस ट्री पे। ये भी झूला सभा कह रही है अच्छा है। बैठ गया जी मिकाइल इस पे। किधर है मिकाइल, किधर है मिकाइल, हेलो, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, हाउ वॉज योर राइड, नाइस। अच्छा ये देखो भाई, ये है रियल आइस स्लाइड, ये आइस स्लाइड है, ये एक टायर दे देते हैं आपको, ऊपर से पूरा बर्फ का वो बनाया हुआ है स्लाइड, उससे लोग ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव है मगर हम लोग नहीं ले सकते। ये एडवेंचर जो लोग कपल अभी बच्चों के बगैर हैं या सिंगल सिंगल हैं वो लोग आके एंजॉय कर सकते हैं ये एडवेंचर। हम आप लोग को एंजॉय करवाते हैं यहाँ की जो है रौनकें इसमें। ये है भाई क्रिसमस ट्री और इसमें हम पूरी फैमिली बैठने लगी है, फाइनली हम पूरी फैमिली के लिए भी कोई एक मज़ेदार सा झूला मिल गया है। हेलो भाई, अब मैं बैठने लगा हूँ अंदर। ऑलराइट, हियर वी आर, मेरा फर्स्ट राइड लेने लगी है अपनी लाइफ की माशाल्लाह। मुश्किल काम है बच्चों के साथ ऐसी चीज़ों में घूमने फिरने आना है क्योंकि आप कुछ और चाहते हो, बच्चे कुछ और चाहते हैं, उनका मूड कुछ और होता है, वो किसी और वजह से एक्साइटेड होते हैं और हम किसी और वजह से एक्साइटेड होते हैं तो बच्चों पे गुस्सा भी आ जाता है, तो गुस्सा नहीं करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इनकी एक्साइटमेंट को समझो। और ये देखो जी, ये है वो स्लाइड जो मैं आपको बता रहा था कितना रश है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग थोड़ा सा पहले गुस्सा करने लगे, क्या कर रहे हैं मिकाइल, क्यों तंग कर रहा है, हम कहीं और रुकने लगे हैं, मगर फिर हमें समझ आ गया कि नहीं भाई, हम आए इन्हीं की वजह से हैं, इन्हीं के लिए हैं, तो गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं बनता जी। वाह भाई वाह, मिकाइल जा रहा है, ये फन हाउस में आया है और फन हाउस के ऊपर जाएगा, इसी तरह के फन है, इस तरह से इसको टास्क मिला हुआ है, आसानी से नहीं जाया जा सकता। और ये जा रहा है, Thank you.
पहले बताओ राइड लेनी है या ये टॉय लेना है? अब एक चीज मिलेगी नहीं तो टूट जाएगा राइड में वो तो। ये देखो भाई ये बहुत जबरदस्त जगह है, कभी भी आओ अंदर से आप इसको जरूर देखो। अच्छा ये कैमरे में इतनी खूबसूरती और इतनी ज़्यादा जो अट्रैक्शन है ना वो नज़र नहीं आ पा रही है। और आप भी देखिए मैं किस तरीके से मुश्किल से व्लॉग बना रहा हूँ, एक हाथ से अपनी बेटी को पकड़ा हुआ है, एक हाथ से व्लॉग बन रहा है आप लोगों के लिए। तो इसी बात पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी होना चाहिए। ये खाएगा ऑलराइट। ये देखिए ये मिकाइल को लेके देते हैं। ये देखो भाई मिकाइल के लिए क्या आ गया। मिकाइल इन्जॉय दिस। भाई ये 650 का मिला है यहाँ से जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है जी। अच्छा भाई अब हम आ चुके हैं उस जगह पे जिसकी वजह से मैं और सबा स्पेशली हम दोनों का जो इंटरेस्ट था यहाँ आने का, लास्ट टाइम हमने यहाँ से खाए थे चुरोस और बहुत ही ज़्यादा मज़े के और शानदार थे। मेरा गला बैठ चुका है इस वक्त, सॉरी ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। मगर इधर के जो थे ना चुरोस कमाल के थे, बहुत शानदार थे क्योंकि दे मेड विद लव और ये लोग प्यार से बनाते हैं और प्यार से जो चीज़ बनती है हम उस पर कुर्बान हो जाते हैं, इस वजह से इस पर ज़्यादा टेस्ट है। बैड लक इज सोल्ड आउट वी वर वेटिंग फॉर दैट दे आर द बेस्ट हियर। सभा की वजह से हुआ है क्योंकि सभा ने मुझे बोल दिया था आखिर में खाएंगे। भाई वो प्यार वाले चुरोस हमारे नसीब में नहीं थे, अब ये मिस्टर चुरोस हम जा रहे हैं वो उस तरफ है, लेट्स सी कहीं वो भी ना बंद हो जाए। जान के पहले से खाते हैं और ये देखो जी कितना बड़ा बनाना लेकर जाता है ये, क्या बात है क्या बात है। ये क्लोज होने लगा है, क्लोजिंग टाइम है ऑलमोस्ट यहाँ पे। ये देखो भाई सभा कहती है इतना रश एक साथ लग गया जैसे नहीं बोल सकता हूँ बट शादी जा रही है किसी की, बारात जा रही है। ये देखिए जी सारी बारात ही है, सारे एक साथ निकले हैं, हम लोग बंद करवा के जा रहे हैं। क्यों मेरा बंद करवा के जा रहे हैं? अब एक साथ पार्किंग में भी रश लग जाएगा और एक साथ अभी रोड पे भी रश लग जाएगा, या तो पहले ही चला जाना चाहिए था हमें, मगर क्या करें हम आए बड़े लेट थे। मिकाइल साहब ये देखें अपने मामा के साथ साथ। भाई ये बहुत फेमस यहाँ पे ये राइड है, जो भी ओवरसीज आते हैं यहाँ पे इंग्लैंड में तो इसकी राइड ज़रूर लेते हैं, ख़ास करके और इंटीरियर से। आ गए हम थक गए हैं, मेरा तो गला ख़राब हो गया और भूख लग गई है मिरहा को, तो मिकाइल को भी और इसकी मामा को भी जी। और बारिश हो रही है और हम रुक चुके हैं अभी मैकडोनल्ड पे क्योंकि फास्ट यही है फास्ट फूड, बाकी कहीं आई थिंक क्लोजिंग क्लोज हो गया होगा सब कुछ, है अभी संडे। मिरहा को देखो उसने मुझे इतना तंग किया है, ये कहती थी मैंने कार सीट में नहीं बैठना, मैंने पुश सीट में नहीं बैठना, अभी कार सीट पर भी नहीं बैठ रही है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, यकीनन आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और खुश रहें, खुशियां बांटें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।